22 जनवरी को राम मंदिर के बहुप्रतीक्षित अभिषेक समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए एयरपोर्ट के साथ साथ पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए आज अयोध्या पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जिनके 4 दिनों तक अयोध्या में रहने की उम्मीद है, वो 15,700 करोड़ रुपए की 46 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास भी करेंगे। अयोध्या एयरपोर्ट, जिसे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम कहा जाएगा, उसको 1,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। रामायण और भगवान राम के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाने वाले रंगीन भित्ति चित्र एयरपोर्ट के कई हिस्सों को सुशोभित करते हैं। एयरलाइंस हजारों लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से उड़ानों की पेशकश करेगी। नियमित उड़ान संचालन 6 जनवरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग आर्टिकल 370 के हमेशा के लिए चले जाने से स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि वहां के लोग अब अपने हाथों से अपनी किस्मत को आकार दे सकते हैं। इंडिया टुडे के साथ एक विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 370 को निरस्त करने के संसद के फैसले को बरकरार रखने, घाटी में चुनाव और जम्मू कश्मीर में निरंतर शांति सुनिश्चित करने के बारे में बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के सामने मुद्दा ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसे कानूनी रूप से बंद कर रहा है, लोगों को एक अस्थाई प्रावधान को समाप्त करने में देरी से समस्या है। नेहरू जी के कहने के बावजूद संसद में कहा गया कि घिसते घिस जाएगा। 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर के लोग, विशेषकर महिलाएं और वंचित समुदाय के लोग अपने अधिकारों से वंचित थे। आर्टिकल 370 हमेशा के लिए चला गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग पहली बार अपने भाग्य को अपने हाथों से आकार देने के लिए स्वतंत्र हैं। 44 वर्षों से अधिक के सशस्त्र प्रतिरोध को समाप्त करते हुए यूनाइटेड लिबरेटेड फ्रंट ऑफ असम के वार्ता समर्थक गुट ने घोषणा की कि वो भारत सरकार के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद समूह को खत्म कर देगा। शांति समझौते के हिस्से के रूप में सरकार असम में 97 विधानसभा सीटों को स्वदेशी लोगों के लिए आरक्षित करने, 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश और वार्षिक असम बाढ़ को राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित करने पर सहमत हुई है। त्रिपक्षीय समझौते पर अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले वार्ता समर्थक उल्फा, गृह मंत्री अमित शाह और असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के बीच हस्ताक्षर किए गए। उल्फा का प्रतिनिधित्व राजखोवा, महासचिव अनूप चेतिया, विदेश सचिव ससाधर चौधरी और कमांडर इन चीफ मृणाल हजारिका के नेतृत्व में 16 सदस्य प्रतिनिधि मंडल था। इसके अलावा नागरिक समाज के 13 सदस्य इस समझौते का हिस्सा थे, जो 12 साल की शांति वार्ता के बाद अमल हो गया है। अटूट समर्पण का प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले चल रही तैयारियों का व्यक्तिगत रूप से आकलन करने के लिए शुक्रवार को अयोध्या में ठंड का सामना किया। देर रात के इस निरीक्षण के बाद पूरे दिन प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की योजनाओं की समीक्षा की गई। दिन में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए स्थलों का निरीक्षण करते समय मुख्यमंत्री प्रगति को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। योगी ने नए बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, मल्टी पार्किंग और धर्म पथ सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का दौरा किया। सीएम के साथ अयोध्या प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद और अन्य शीर्ष जिला अधिकारी समेत प्रमुख अधिकारी भी मौजूद थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी संतोष दुबे ने शुक्रवार को राम मंदिर उद्घाटन पर बोलते हुए कहा था कि वो इससे बेहद खुश है और शनिवार को मंदिर के दर्शन करेंगे। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के पीछे के संघर्ष को याद करते हुए कहा, हमने 1984 में प्रतिज्ञा ली थी कि राम जन्मभूमि को मुक्त कराया जाना चाहिए और जब तक भगवान राम का अपना महल नहीं होगा, हम अपना घर नहीं बनाएंगे। 2 नवम्बर की फायरिंग में मुझे 4 गोलियां लगी। मुलायम सरकार ने मुझ पर कई आरोप लगाए, एनएसए लगाया गया और मुझे 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। अब आखिरकार राम मंदिर बन गया है और मैं शनिवार को राम मंदिर का दौरा करूंगा। 1984 में ही हमने संकल्प लिया था कि अब राम जन्मभूमि को मुक्त कराना है और बिना राम जन्मभूमि को मुक्त कराए हम ना तो अपना घर बनाएंगे ना बहुत सारी चीजें। वो उस दौर में जो संकल्प लिया था उसमें प्रमुख संकल्प यही था कि हम अपना घर तब बनाएंगे जब प्रभु श्री राम अपने भव्यतम दिव्यतम सुंदरतम महल में प्रवेश करेंगे। और इस संकल्प को पूर्ण करने में 30 अक्टूबर को भी चोटें लगी,
2 नवंबर को 4 गोलियां लगी, 2 नवंबर 1990 को मुलायम सरकार के द्वारा जो चलाई गई गोलियां थी उनमें 4 गोलियां हमको लगी थी, मुझे 4 गोलियां लगी थी 2 नवंबर को, और मेरे साथी भाई रमेश पांडे, राजेंद्र धरकार, वासुदेव गुप्ता, ये सब मेरे ही आंखों के सामने मारे गए थे। अफसोस था कि हम लोग उनको बचा नहीं पाए, बचाने में ही खुद भी घायल हुए, इतनी गोलियां लगी। तो ये तो 2 नवंबर को ये घटना हुई थी। मुलायम सरकार ने आपके पर कई आरोप भी लगाए? हाँ, मुलायम सरकार ने बहुत आरोप लगाए, बड़े मुकदमे जड़ दिए, एनएसए लगाकर मुझे साल भर जेल में रखा, प्रदेश की कई जिलों में मुझे कई जिलों की जेलों में ट्रांसफर किया गया, दौड़ाया जाता रहा, मेरी मुलाकात यहाँ बंद थी, मुझसे कोई मिल नहीं सकता। विपक्षी भारत गुट की हालिया बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे की बातचीत को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने का फैसला किया गया था। दिल्ली में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि मुख्य फोकस सीट बंटवारे पर आम सहमति बनाने पर था, लेकिन अब ये कांग्रेस के लिए एक कठिन काम लगता है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को घोषणा की कि टीएमसी 2024 का लोकसभा चुनाव वो अपने राज्य में अकेले लड़ेंगी, जबकि इंडिया ब्लॉक राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद रहेगा। हालांकि सेना ने लोकसभा सीटों पर प्रमुख हिस्सेदारी का दावा किया, पार्टी ने 23 सीटों की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने उनकी मांग को खारिज कर दी। वहीं 17 दिसंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के भटिंडा में रैली की। केजरीवाल ने लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 13 सीटों पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की थी, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगी दल कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की कोई गुंजाइश नहीं होने का संकेत दिया था। कांग्रेस को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे अन्य राज्यों में भी सीट बंटवारे की इसी तरह की बाधाओं का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शुक्रवार नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से जनता दल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। उन्होंने राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की जगह ली। ये कदम मुख्य रूप से नीतीश कुमार को भारत के वास्तुकार के रूप में पेश करने में ललन सिंह की विफलता के कारण उठाया गया था। उसी स्थान पर आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनके नामांकन की पुष्टि की गई, जिसे नीतीश कुमार चौथी बार पार्टी अध्यक्ष बन गए, जो 2024 में लोकसभा चुनावों और राज्य चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भी नीतीश कुमार की भूमिका की सराहना की, जैसे कि विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना, बिहार में जाति सर्वेक्षण करना, देश भर में जाति जनगणना की मांग का नेतृत्व करना और आरक्षण को मौजूदा 60% से बढ़ाकर 75% करने में राज्य सरकार का नेतृत्व करना। सेकंड हाफ में जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है, जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसले करती है उसका राष्ट्रीय परिषद से अनुमोदन कराना आवश्यक होता, मैंडेटरी होता, लीगली होता है। तो एक तो ये जानकारी है, विधिवत तरीके से नीतीश कुमार जी पार्टी के अध्यक्ष हो गए, और पिछले 8 दिन से ये हमें प्रसन्नता भी है कि छोटी पार्टी बड़े होते हुए भी इतना स्पेस आप लोगों ने दिया हमें, नेगेटिव पॉजिटिव उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ना पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं, तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ। यूएई का पहला हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है। अबू धाबी का बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था द्वारा बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 14 फरवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन करेंगे। विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में मंदिर के निर्माण के लिए परियोजना की शुरुआत की थी। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने पारंपरिक पत्थर के मंदिर के एक मॉडल का भी अनावरण किया था। ये मंदिर संयुक्त अरब अमीरात सरकार की दयालुता का प्रतिबिंब है, जिसने इसे 17 एकड़ भूमि उपहार में दी है। दोनों देशों के बीच मानवीय मूल्य और सद्भाव के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। 35 लाख भारतीयों के अलावा जिन्होंने संयुक्त अरब अमीरात को अपना दूसरा घर बनाया है, दुनिया भर का हर भारतीय मंदिर के पूरा होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जो बीएपीएस हिंदू मंदिर अबू धाबी में बन रहा है, उसके पीछे गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज की एक शुभ भावना और प्रार्थना थी
1997 में उन्होंने एक संकल्प किया था कि अबूधाबी में एक मंदिर बने और देशों, संस्कृति और धर्म के बीच अंतर घटे, सब एक दूसरे की नज़ीक आए। वो संकल्प आगे बढ़कर जब भी हमारे वड़ा प्रधान और वहाँ के राजा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली में सुनहरी बाग मस्जिद के प्रस्तावित विध्वंस पर जनता की राय लेने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के आह्वान पर केंद्र की आलोचना की और कहा कि वो जानना चाहते हैं कि बीजेपी मस्जिद के प्रति इतनी नफरत क्यों पालती है। मध्य दिल्ली में एक चौराहे पर स्थित मस्जिद को क्षेत्र में यातायात जाम के आधार पर हटाने का प्रस्ताव दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि जिस जमीन पर मस्जिद स्थित है उसका मालिकाना हक उनका है, लेकिन NDMC का दावा है कि जमीन पर सरकार का मालिकाना हक है। समाचार एजेंसी NI से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, यह अधिसूचना संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन करती है जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है और जो एक मौलिक अधिकार है। यह आर्टिकल 29 का उल्लंघन करती है जो संस्कृति की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 51(1)(a) का भी उल्लंघन करता है जो कहता है कि वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण तभी किया जा सकता है जब कोई अन्य विकल्प ना हो। नोटिफिकेशन दिया गया है, इसके बारे में हमने जवाब दिया है NDMC के आर्किटेक्ट को। सबसे पहली बात तो यह है कि यह नोटिफिकेशन वॉयलेट करता है आर्टिकल 25 को, जो हमारे भारत के संविधान का फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है। एक हेरिटेज की जगह भी है और एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। आर्टिकल 29 का वायलेशन करता है क्योंकि आर्टिकल 29 ये कहता है कि कल्चर का प्रोटेक्शन, ये कल्चर का हिस्सा रहा है। तीसरा है कि जो सेंट्रल वक्फ एक्ट है सेक्शन 51(1), हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स केम फर्स्ट, द सिटी वाज बिल्ड अराउंड देम। फ्रॉम 200 इयर्स दिस मस्जिद इज पेंडिंग इज ओवर देयर, पीपल हैव बीन प्रेइंग ओवर देयर पीसफुली, and suddenly the Narendra Modi government shows its hatredness for Muslims, for masjid, for any sound that comes out of masjid. I condemn this notice. It is, we demand that the Prime Minister of India ensures that this Suneri Masjid is not demolished on some technical grounds. It will be violation of Article 25, 29 and the Waqf Act. And in Delhi, there's a Nehru place, there's a place of worship. Constantly there's a traffic jam over there. Why are you after this Suneri Masjid? Why, just because it's near the parliament or what? So we hope and we demand that the government will not go ahead and try to demolish this Suneri Masjid. Ye jo notification diya gaya hai, iske baare mein humne jawab diya hai India. स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत में COVID-19 के 797 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 225 दिनों में सबसे अधिक है, जबकि संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 4091 दर्ज की गई है। शुक्रवार को अपडेट किए गए INSACOG के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में COVID-19 सब वेरियंट JN1 के कुल 162 मामलों की पहचान की गई है, जिनमें से केरला में सबसे अधिक 83 मामले सामने आए हैं। इसके बाद गुजरात में 34 मामले सामने आए हैं। हाल के सप्ताहों में विभिन्न राज्यों में COVID-19 मामलों में वृद्धि देखी गई है। 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में JN1 सब वेरिएंट की उपस्थिति का पता चला है। इन क्षेत्रों में केरला में 83, गुजरात में 34, गोवा में 18, कर्नाटक में 8, महाराष्ट्र में 7, राजस्थान में 5, तमिलनाडु में 4, तेलंगाना में 2 और दिल्ली में 1 शामिल है।